कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा की मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि 2014 में मोदी ने जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया, जबकि मोदी सरकार ने अपना विकास कर लिया। इस चुनाव में मोदी सरकार को जनता को जवाब देना होगा। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस का कहना है कि 2 करोड़ रोजगार का हिसाब आखिर कौन देगा? इस चुनाव में आखिरकार पीएम मोदी को जवाब देना ही होगा। और साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि असली मुद्दों से भाजपा ध्यान हटा रही है, नीतियों उपलब्धियों से चुने जाते हैं देश के पीएम। ये भी कांग्रेस का कहना सामने आया है। इस पार्टी के पास साधन है जिसने इस देश के बेरोजगार नौजवान को एक आशा की उम्मीद दिखाई थी 2014 में, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसान को उसकी फसल की कीमत, जो उसकी लागत है, उसका ड्योढ़ा दाम मिलने की बात की थी। पर दूसरी वास्तविकता, एक हकीकत ये है कि गरीब की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर अपना विकास साधनों से भरपूर और उसका जो पूरा, मैं कहूँगा, तस्वीर वो पूरे देश को मालूम है और पूरी दुनिया में चर्चित है। तो इस पार्टी के पास साधन है जिसने इस देश के बेरोजगार नौजवान को एक आशा की उम्मीद दिखाई थी 2014 में, जिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, किसान को उसकी फसल की कीमत, जो उसकी लागत है, उसका ड्योढ़ा दाम मिलने की बात की थी। पर दूसरी वास्तविकता, एक हकीकत ये है कि गरीब की बात करने वाली, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल के अंदर अपना विकास साधनों से भरपूर और उसका जो पूरा, मैं कहूँगा, तस्वीर वो पूरे देश को मालूम है और पूरी दुनिया में चर्चित है। और इनकी एक मानसिकता है, केवल यही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश की उपलब्धि को स्वयं व्यक्तिगत उपलब्धि मानते हैं। इस बात पर भी, मैं कहूँगा, आपत्ति है, तो सेना का अपमान भी।